इससे पहले भी विक्रम सिंह साहब यही तो होता आया है, जांच बैठा दी जाती है, उसके बाद जांच का नतीजा क्या निकला ये तो जनता को पता भी नहीं चलता है, और गोरख धंधा वैसे ही चल रहा है। समीर साहब, ये जो माननीय मंत्री जी का वक्तव्य है, इससे कोई आत्मविश्वास जागृत नहीं होता है। ये स्पष्ट उदाहरण है जिसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस रजिस्टर होना चाहिए, जिन अधिकारियों ने शराब के ठेकों को क्लीन चिट दिया है, और उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हम कर देंगे भविष्य काल में तो हम बहुत रहे हैं, और भूतकाल में हमने कुछ किया नहीं। समीर साहब, अगर मंत्री जी ये कह देते आप इसका परिणाम 48 घंटे में देखिए, संपत्ति कुर्क हो जाएगी, एक्साइज कमिश्नर ने सस्पेंशन और तबादला तो कोई दंड है नहीं, कम से कम निलंबन हो जाता, उससे तो नहीं हुआ होगा, कम से कम इसके अलावा और कार्रवाई हो जाती, डिपार्टमेंटल एक्शन हो जाता, और लघु दंड के स्थान पर जो बड़ा दंड होता है वो दिया जाता, वो तो कहीं दिया नहीं, आज तक नहीं दिया। जब आज तक नहीं दिया, कल्पेबल होमोसाइड आपने मुकदमा नहीं लिखा, गैंगस्टर एक्ट में कितने की संपत्ति, अगर 12 का निकाल लें श्वेत पत्र, कितने लोगों की कितनी संपत्ति कुर्क की गई, जरा ये भी और स्पष्ट कर दें। हम चले बहुत और पहुंचे कहीं नहीं समीर जी, हमारी नियत यही बात है, फर्क है, बड़ा फर्क है, क्योंकि हमने वादे बहुत किए, हम कर देंगे, ये सब सुनते सुनते समीर जी कान पक गए हैं। अगर वाकई गंभीर होते तो आप कह देते कि अब हम बहुत शर्मिंदा है, 72 घंटे में आप हमारा परिणाम देखिएगा। ये आत्मविश्वास और ये करने का जज्बा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। वादे सुन लीजिए 9 लाख के सबसे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।